What's up guys? आज हम देखेंगे I was wrong about 3-2. बिजनेस रिपोर्ट होगी इसके अंदर, तो BNF TV चैनल से वीडियो में भाई के होश उड़ चुके, क्यों और क्या गलत साबित कर दिया है, देखते हैं। 1-2-3 गो ब्रदर्स। 3 पार्ट 2 ने जो करके दिखाया है वो आज भी इम्पॉसिबल लग रहा है। मतलब कितना जोर देके बोलूं मैं कि तुमको समझ में आए। बेसिकली ऐसा समझ लो कि 5th स्टैंडर्ड का बच्चा अपने से 5 क्लास ऊपर वाले लोगों को बुली कर रहा है, पीटे जा रहा है, दौड़ा दौड़ा के मार रहा है। क्योंकि जितने लोग भी बॉक्स ऑफिस के नंबर्स ट्रैक करते हैं उनको आइडिया होगा कि व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। और मैं इस बात से ज्यादा खुश हूं कि मैंने जो प्रेडिक्शन दिए थे अपनी पिछली वीडियो में, चीथड़े उड़ा दिए सबके। एडिटर प्लीज वो शेम करने वाला क्लिप चला दो। फ्लैशबैक। एक रफ नंबर देना हो तो 430 करोड़ से लेके 460 करोड़ या 70, इसके बीच में लाइफ टाइम कलेक्शन हो सकता है। और मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि ये 470 करोड़ से ऊपर चली गई, तो मतलब इतना ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगाने के बाद भी आउट परफॉर्म कर गई। इस नंबर से भी आगे चल के एकदम अल्टीमेट अल्ट्रा प्रो मैक्स बेहतरीन 500 करोड़ जा सकती है। एनिमल का जो लाइफ टाइम कलेक्शन है हिंदी में उसको चैलेंज करेगी और मे बी 5th place पे आके खत्म हो जाए। आज तक जितनी भी मूवीज हिंदी में रिलीज हुई है उनका अगर तुम टोटल कलेक्शन निकाल के देखोगे तो 3-2 5th नंबर तक पहुंच सकती है माइंड ब्लोइंग होल्ड दिखाने के बाद। तुमको पता वो आज कौन से रैंक पे है? 460, 470, 500 करोड़ में उसका लाइफ टाइम कलेक्शन प्रिडिक्ट करा था, अभी 22-23 दिन ही हुए हैं। इन जस्ट 25 डेज 3-2 ने एनिमल 530 करोड़, बाहुबली पार्ट 2 हिंदी 511 करोड़, पठान 524 करोड़ और उसके ऊपर गदर 2 525 करोड़, सबको हरा दिया। जब तक तुम ये वीडियो देख रहे हो 3-2 5th नहीं बल्कि ऑलरेडी 2nd पे पहुंच चुकी है। 2nd हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी ऑफ ऑल टाइम, किसी भी हिंदी मूवी को उठा के देख लो। इस रास्ते तक पहुंचने में उसने काफी सारे यूनिक रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। सिर्फ PVR INOX के थिएटर्स को मिला दे तो 200 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया और ये तीसरी ही मूवी है बिहाइंड KGF चैप्टर 2 और जवान। बड़े वाले एक्सपेक्टेशंस लगाने के बाद भी इतना ज्यादा आउट परफॉर्म कैसे कर गई? रेगुलर वर्किंग डेज में तो उसका होल्ड एकदम कमाल का है, बट वीकेंड जैसे ही आता है हर सैटरडे संडे को जैसा जंप दिखाती है कोई भी मूवी। आई एम रिपीटिंग कि कोई भी मूवी ने आज तक ऐसा नहीं किया, हिंदी ऑफ कोर्स। तुमको कॉन्टेक्स्ट दिलाने के लिए एक ऐसी मूवी को लेके आऊंगा मैं जो यूजुअली ऐसे बॉक्स ऑफिस एनालिसिस के अंदर बात नहीं करता हूँ, बाहुबली पार्ट 2, क्योंकि उसको टच भी करना बहुत मुश्किल है। इनिशियल 3-4 दिन रिलीज होने के बाद जो होल्ड का मामला है उसमें इट इज द किंग एम्परर। एनी मूवी फ्रॉम हिंदी 7 साल होने के बाद भी उसके रिकॉर्ड को टच नहीं कर पाए थे। कैसे? नंबर्स का एग्जांपल ले लो, रिलीज के तीसरे हफ्ते के कलेक्शन की अगर हम लोग बात करें, जो कि यूजुअली डे नंबर 15-16 से स्टार्ट होता है, यहाँ तक आते आते बहुत सारी मूवीज का दम ऑलरेडी निकल गया है। लेकिन बाहुबली 2 हिंदी वर्जन ने अपने तीसरे हफ्ते में टोटल 69 करोड़ कमाए थे, नाइस नंबर। इसके कंपैरिजन में अगर तुम रीसेंट ब्लॉकबस्टर्स को लोगे जैसे कि एनिमल 54.5 करोड़, जवान 56 करोड़, गदर 2 जिसने एकदम फिनोमिनल लेग्स दिखाया था, हफ्तों तक पैसे कमाए थी, 63.3 करोड़। बस इस बीच में और कोई नहीं है। फिर डायरेक्ट बाहुबली का नंबर आता है, तुम सोचो कि इसमें 3-2 कहां फिट बैठी होगी। उसने अपने तीसरे हफ्ते में 70 करोड़ कमाया, बाहुबली 2 को बीट कर दिया है। लेट मी रिमाइंड यू कि आजकल के टाइम पे कुछ स्टार्स का अगर लाइफ टाइम कलेक्शन भी इतना क्रॉस हो जाता है तो इट इज अ सक्सेस। इसने अपने तीसरे हफ्ते में कमाया है। लेकिन देखो ये बॉक्स ऑफिस नंबर्स तुमको कहीं पे भी मिल जाएंगे। अब हम लोग एकदम एक्चुअल मुद्दे की बात करने वाले हैं कि क्या 3 पार्ट 2 जो अभी नंबर 2 पे है ऑल टाइम बिगेस्ट हिंदी मूवी के केस में, वो नंबर 1 पे बैठी हुई जवान को हरा पाएगी? ये केस स्टडी तुम्हारे सामने रखने से पहले ग्राउंड तैयार करते हैं कि रियलिटी में एक्चुअली होता कैसा है, मूवी के कलेक्शन लॉजिकली कैसे जानी चाहिए हफ्ते दर हफ्ते। जिसका एग्जांपल देने के लिए ऐसा समझो कि 2 मूवीज रिलीज हुई है, एक तरफ शाहरुख खान है दूसरी तरफ राजकुमार राव। दोनों एक्टर्स के सिर्फ नाम लेने के बाद ही तुम्हारे माइंड में एक इमेज बन गई होगी कि कैसी कैसी मूवीज होंगी। मैंने अभी तक नाम किसी का नहीं बताया। यू ऑलरेडी नो कि शाहरुख खान की कोई एक बिग बजट एक्शन मसाला मूवी होगी जो कि बड़ा ओपनिंग लेने वाली है, और राजकुमार राव की मे बी कोई सीरियस या कॉमेडी मूवी जो तुमको हंसाएगी, अच्छी चल गई तो अच्छी चल गई। लेकिन अब क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा अज्यूम कर ही रहे हैं तो एक और अजम्पशन ले लेते हैं कि दोनों मूवीज की क्वालिटी एकदम बराबर है, ऑडियंस को एकदम इक्वली पसंद आ रही है। फिर भी अगर तुम दोनों मूवीज के पहले 3-4 दिन के कलेक्शन लोगे, राजकुमार राव के पिक्चर से शाहरुख खान वाली मूवी 2 गुना 3 गुना 4 गुना आगे होगी कलेक्शन, क्योंकि बड़ा स्टार है, बड़ा चेहरा है, मार्केटिंग पे बड़ा पैसा फूका है। और इसके बाद जब मंडे ट्यूजडे रेगुलर डेज आएंगे तो दोनों ही मूवीज के कलेक्शन नीचे जाने वाले हैं। लेकिन फिर भी जो एब्सोल्यूट नंबर है वो शाहरुख खान के पिक्चर का ज्यादा ही होगा। लेट से इसने 50 करोड़ की ओपनिंग ली और इसने 15, जब तक SRK वाली स्लो डाउन होते होते पर डे 15 तक आएगी, राजकुमार की मूवी तब
3-4 पे होगी। ये बेसिक लॉ है इकोनॉमिक्स और पूरे मार्केट का। भले ही तुम्हारी मूवी लोगों को पसंद आ रही है, लेकिन इनिशियल जितना हाइप था, जितना ओपनिंग उसने लिया था, उसके कारण एक बॉक्स बन जाता है और उसी के अंदर खेलना है। इसके कारण कोई भी मूवी जिसका बजट 50 करोड़, 60 करोड़, 70-80-100 करोड़ है, वो सोच भी नहीं सकती कि किसी दिन पठान बाहुबली जवान को टक्कर देंगे। ऑब्वियसली कहीं कहीं एक्सेप्शंस दिख जाते हैं, जिसमें से एक सबसे बड़े वाले का डिस्कशन करेंगे, एग्जांपल ओवर। रियलिटी में आ जाओ, 3-2 वर्सेस जवान की बात करते हैं। डे नंबर 1, बड़ा स्टार पावर, बड़ा चेहरा होने के कारण जवान 75 करोड़ कमाती है 3-2, 60, जिसमें उसके पेड प्रीव्यूज इंक्लूडेड है 8-8.5 करोड़ का। अगले दिन दोनों के ही नंबर्स गिरते हैं, लेकिन जवान गिर के 53 पे आती है और 3-31। फिर आता है पहला सैटरडे, दोनों के कलेक्शंस बढ़ गए 77-44। नेक्स्ट डे संडे, नेशनल हॉलीडे, सब जगह छुट्टी है, 80-56। सिर्फ ये नंबर साइड बाय साइड देखकर ही तुमको अंदाजा आ गया होगा कि जवान कितनी ज्यादा आगे है। पर डे उसने कितना एक्स्ट्रा कमाया है, जो कि टोटल में भी दिखता है। 3-2 का 191 करोड़ और जवान का 286। यहाँ पर गैप की बात करें तो 94-95 करोड़ का। और ऑनेस्टली इस पॉइंट तक कोई भी इंसान, किसी ने भी इतना सा भी आइडिया नहीं लगाया होगा कि ये ऐसा वीडियो बनेगा जिसमें दोनों के कंपैरिजन की बात हो जाए। जमीन आसमान का फर्क है भाई। लेकिन फिर पहले मंडे को 3-2 ने जवान के कलेक्शन को बीट किया 38 वर्सेस। लेकिन ज्यादा खुश मत हो, इसके पीछे एक रीजन है कि हॉरर कॉमेडी वाली मूवी को रक्षाबंधन का पार्शियल हॉलीडे मिला, जिसका रिजल्ट हम लोग इसके आगे चलकर देखते हैं। ट्यूजडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हर दिन 3-2 के जो कलेक्शंस हैं वो जवान से कम ही है। 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ का डिफरेंस है। लेकिन इससे क्या हो रहा है, जो मैंने तुमको 95 करोड़ का गैप बताया दोनों के बीच में, वो और बढ़ते जा रहा है। तो स्त्री कैसे बीट करेगी इसको? बीट करेगी नहीं करेगी वो अलग बात है, लेकिन अपने को एक चीज एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि इस केस में भले ही उसके नंबर्स थोड़े नीचे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचना कितना इंप्रेसिव है, स्पेशली पहले 3-4 दिन में इतना गैप होने के बाद भी। जो मैंने तुमको एग्जांपल दिया ना कि इनिशियली अगर बड़ा छोटा ओपन करती है तो आगे चल के भी वैसे चलेगी, और सेकंड फ्राइडे आने तक ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा था दोनों का क्लोज आना। लेकिन फिर अपने को दिखाई देता है 3-2 का सेकंड वीकेंड, और उस सैटरडे संडे के दिन हर किसी को आइडिया लग गया कि ये कैसा मॉन्स्टर होने वाली है। मेरे पास जितनी भी बड़ी बड़ी मूवीज के नंबर्स हैं हिंदी कलेक्शन की बात करें तो अपने सेकंड संडे पे सबसे ज्यादा पैसा कमाया था गदर 2 ने, 38.9 करोड़, ये एक नंबर पे है, और जवान का था 36 करोड़। 3-2 जो कि ऑलरेडी उससे पीछे चल रही है, उसने अपने सेकंड संडे पे 42, नॉट ओनली लीविंग जवान बिहाइंड बल्कि गदर 2 हाईएस्ट सेकंड संडे एवर फॉर हिंदी मूवी। और इसके बाद जो मोमेंटम उसने पकड़ा ना, आगे कंटिन्यू रखा। लेकिन अगर तुम डे नंबर 13 को देखोगे तो जवान इज हायर देन 3, क्योंकि जवान को गणेश चतुर्थी की छुट्टी मिली थी। लेकिन उसके बाद से वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे छोटा छोटा मार्जिन ही सही, बट 3 उसको बीट करे जा रही है, जवान के कलेक्शन को पीछे छोड़े जा रही है। थर्ड वीकेंड आता है और राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर की मूवी ने फिर से वही करके दिखाया। तीसरे संडे का हाईएस्ट कलेक्शन आज तक का अगर तुम देखोगे तो वो था बाहुबली 2 के नाम पे। हिंदी वर्जन ने 17.5 करोड़ के आसपास कमाया था और जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट जवान ने 15 करोड़। 3-2 माय बॉय अपने तीसरे संडे पे 22 करोड़, फिर से सबको बीट कर दिया, फिर से हाईएस्ट कलेक्शन। तुम समझ रहे हो, बाहुबली 2 के होल्ड की मिसालें दी जाती हैं। इसके बाद से फिर से जब रेगुलर डेज चालू हुए मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, जवान को पीछे छोड़ती ही रही है थोड़ा थोड़ा करके, जिसके कारण पहले 22 डेज का अगर टोटल हम लोग मिला है तो जवान का है ऑलमोस्ट 582 करोड़ और स्त्री का है 503 करोड़। नेट कलेक्शन इंडिया गैप कितना हुआ, ले देके 79 करोड़। तो क्या इस केस में 3-2 जवान को बीट कर पाएगी? इज इट पॉसिबल? नहीं, ऑलरेडी एक महीना होने वाला है एंड दिस गैप इज जस्ट टू मच। लेकिन रुको, कहानी में भी एक ट्विस्ट है। जवान के जितने भी नंबर्स तुमने अब तक इस वीडियो के अंदर देखे ना, वो उसका ऑल इंडिया नेट कलेक्शन है, वो बाकी डब्ड लैंग्वेजेस में भी रिलीज हुई थी एंड इट इज इंक्लूडेड। कितना? 56 करोड़ से थोड़ा ज्यादा। इसको अगर हम लोग हटा दें तो जवान का इंडिया नेट हिंदी कलेक्शन होता है 525 करोड़। नाउ सडनली दोनों मूवीज के हिंदी कलेक्शन के बीच में गैप है 22 करोड़ का। और जैसा मैंने बोला कि हर दिन थोड़ा थोड़ा करके सही, बट स्त्री इस गैप को काटने जा रही है। फोर्थ सैटरडे जहां जवान का हिंदी कलेक्शन था 8.27, स्त्री का है 8.5। संडे को जवान थोड़ी सी बढ़ के 9 जाती है, बट स्त्री से एक्सपेक्टेड है कि वो बड़ा जंप लेगी, मे बी 1-2 करोड़ का गैप हो सकता है। 22 करोड़ में से गैप और कम हो जाएगा, क्या पॉसिबल है? स्त्री के सपोर्ट में जितने भी लोग हैं उनके लिए एक सैड न्यूज, क्योंकि तुम अगले दिन मंडे का कलेक्शन देखोगे, डे नंबर 26, जवान का एबनॉर्मली हाई है 6-7
सात करोड़ के आसपास, क्योंकि उसको 2 अक्टूबर गांधी जयंती की छुट्टी मिली थी। उस 3-2 के पास ये लग्जरी नहीं है माय फ्रेंड। तो इसका मतलब अब तक वो जो गैप कम करते आ रही है वो सडनली थोड़ा बढ़ गया, जिसके कारण इट लुक्स लाइक नॉट पॉसिबल हॉरर कॉमेडी सिनेमैटिक यूनिवर्स की सबसे बड़ी पिक्चर 2 पे ही रह जाएगी। लेकिन एक छोटी सी उम्मीद की किरण है, और फ्रैंकली वो एक काफी इंपॉर्टेंट रीजन है जिसके कारण ये मूवी इतना आगे तक आ पाई। जवान के नंबर्स देखो, डे नंबर 27 से ड्रॉप हो जाते हैं और उसके बाद वो 2 करोड़ 1 करोड़ के आसपास है पर डे। क्यों? क्योंकि मूवी इस टाइम तक काफी पुरानी हो चुकी है, जो कि 3-2 के केस में भी होने वाला है। लेकिन जवान का 5th सैटरडे 5th संडे 2-3 करोड़ का था। दूसरी मूवीज तब तक रिलीज हो रही थी थिएटर्स में, अक्षय कुमार की रानीगंज, भूमि पेडनेकर की थैंक यू फॉर कमिंग। अब इन मूवीज ने बहुत ज्यादा पैसा तो नहीं कमाया, बट एटलीस्ट स्क्रीन जो लेके जाने वाला काम है, लोगों के सामने एक ऑप्शन दिखना, वो स्त्री के साथ नहीं होने वाला, क्योंकि अगले लिटरली 2 हफ्तों तक कोई पिक्चर नहीं है। जूनियर एनटीआर की देवारा आएगी, वो भी सितंबर एंड में, मतलब 20 दिन खाली पड़े हैं। थालापति विजय की गोट रिलीज हुई, जो कि थोड़ा बहुत टक्कर दे सकती थी, लेकिन वो हिंदी में रिलीज ही नहीं हुई पीवीआर आईनॉक्स में। तो इसके कारण ऐसा हो सकता है कि अब तक जो ट्रेंड उसने दिखाया कि थोड़ा एक्स्ट्रा वही आगे कंटिन्यू रखकर अगले 20 दिनों में ये 20-22 करोड़ का गैप कम कर सकती है। और वैसे बोलने के लिए चलो बोल दिया कि हाँ देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट आई वुड स्टिल गिव इट अ 20% चांस। आई थिंक 80% ऐसा हुआ कि इट वोंट क्रॉस जवान का हिंदी नेट कलेक्शन इंडिया, जो कि 582 करोड़। हो सकता है कि उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ जाए। 13 तारीख को तुम्बाड़ का री रिलीज कैसे परफॉर्म करता है वो भी इम्पैक्ट करेगा स्त्री के परफॉर्मेंस पे। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर उसने जवान के कलेक्शन को बीट कर दिया एकदम ऐसा 1,00,000, 2,50,000 से, स्टैंडिंग ओवेशन बननी चाहिए उसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस के लिए बस। क्योंकि फिर से याद दिला दूं कि जिस स्केल पे ये पिक्चर बनी है ना, इसका आधा भी अगर कमा लेती तो जश्न जल्लोश की तैयारी करो। तुम्हारे ओपिनियन कमेंट बताना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट कि मैंने सारे के सारे कलेक्शन sacnilk.com से लिए हैं। मैं यूजुअली वहीं से डेटा लेता हूं क्योंकि काफी डिटेल्ड होता है। बाकी और भी लोग आउटलेट्स इसको ट्रैक कर रहे हैं और उनके नंबर्स में काफी डिफरेंस है, तो हो सकता है कि तुमको रिपोर्ट्स दिखे भाई बीट कर दिया, कोई कह रहा है अभी 525 पे है, कोई 530 बोल रहा है, तो तुम वो अपने हिसाब से देख लेना कि किसका नंबर फॉलो करना है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब गला दुख गया बोलते हो, अरे भैया थोड़ा पैसा हमको भी दे दो। ये किसको बोला यार, रिव्यू वालों को, उनको मूवी वालों को, कि कभी कभी इधर भी एक रुपया दृष्टि बनाए। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि ये एक मूवी जो जिसका कोई वैसा कोई स्टारकास्ट नहीं, जो सिर्फ अपने हॉरर यूनिवर्स के दम पर और अपने पहले पार्ट की फैन बेस की वजह से, प्लस लोगों की वर्ड ऑफ माउथ, प्लस फिर लोगों का अब जो एक वो आ रहा है कि सिनेमा जाए तो थोड़ा हटके देखें हम हॉरर कॉमेडी जॉनर देखें हम, जैसे शाहरुख है, सलमान है, इनके नाम चलते हैं। इस मूवी का नाम चला, यहाँ स्टारों का नाम तो बाद में चला है, श्रद्धा आर्य कुमार, लेकिन स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग है, फन है, फैमिली मूवी है, और आपको एक वाइब वो देती है कि हाँ भैया देखो मुझे, आप इंजॉय करोगे। इसमें टिपिकल सिर्फ एक्शन एक्शन नहीं है, कॉमेडी एक अंदाज है, और सिर्फ अगर हॉरर मूवी है ना तो अब लोगों में वो क्रेज नहीं कि हॉरर हॉरर देखने के लिए जाएं, लोगों को ये चाहिए कि एक एंटरटेनमेंट होना चाहिए, क्योंकि भूत का तो पता है चल के, जैसे ही आपको याद हो भूल भुलैया वो क्यों पसंद आई लोगों को, अक्षय कुमार वाली उसमें हॉरर थी, डरावनापन था। आज भी नो डाउट आप चला लो, रख के लिए घर में देखोगे ना, जो उसका बैकग्राउंड, जो उसका बैकग्राउंड साउंड है, उसमें जो साउंड इफेक्ट्स डाले हुए हैं, साउंड ट्रैक्स डाले हुए बैकग्राउंड में जो चलते रहते हैं, जब वो मंजुलिका चल के जाती है स्टार्टिंग में, वो डरावने, अगर आप अकेले देखोगे ना आज आपको डर लगेगा। और साथ ही साथ उसमें अक्षय कुमार की कॉमेडी, फिर सस्पेंस वाला माहौल, फिर वही अक्षय कुमार का एक जॉली कैरेक्टर रहता है, फिर वो गोटी, ये गोटी 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 गोटी, वो होता है ना, बहुत सी चीज़ें होती है। तो बाकी अच्छा कर रही है मूवी, मुझे लगता है कर देगी रिकॉर्ड ब्रेक। आपको क्या कहना, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू जरूर बताएगा हिंदी में। बाय बाय, टेक केयर।